हेलो जी, जय श्री राम। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होगे। तो भाई रात के बज रहे हैं 8 और अभी हम निकलने वाले हैं वृंदावन के लिए। तो हमें जाना है यहाँ से अभी परीचौक, हमारा फ्रेंड वहाँ पे मिलने वाला है। देन उसी के साथ हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ने वाले हैं। देन वहाँ से देखते हैं कि हम कैसे जाएंगे। ठीक है, अभी हम अपनी बाइक के पास जा रहे हैं, अपनी ड्रैगो के पास। तो हमारी ड्रैगो यहीं पर खड़ी है, तो मिलते हैं बाइक के साथ। तो ये हमारा परीचौक और यहाँ से हमें लेना है यमुना एक्सप्रेस वे। यहाँ से हमें राइट जाना है, देन वहाँ से मिलेगा हमें यमुना एक्सप्रेस वे। ये भी हमारी ड्रैगो भाई साहब, और इसी से सफ़र करने वाले हम मथुरा का, मतलब वृंदावन। ये हमारा यमुना एक्सप्रेस वे और ये भी हमारी बलगोटिया यूनिवर्सिटी। अभी हमने बीच में पेट्रोल डलवाया था तो फुल हो चुकी है, देन अभी हमें सीधा सफ़र करना है। तो हम आ चुके हैं एक ढाबे पे, यहाँ पे चाय पीने, थोड़ी सी ठंड हो रही थी तो हम लोग आ चुके हैं चाय वाय पीने। यहाँ से 10 से 15 मिनट रुकेंगे, देन वापस हो जाएंगे हम लोग। भाई ये घड़ी हमारी बाइक, ये रही देखो हमारी ड्रैगो। मज़ा आएगा वैसे राइड का भाई। नाइट हो चुकी है, कितना टाइम हो गया? टाइम हो चुका है 9:30 और हमारा रेस्ट हो चुका है ख़त्म। अभी हम यहाँ से लेंगे तो भाई यहाँ पे हम कटवा चुके हैं अपना टोल। कितने का है राहुल? 135 का ना, 135 रुपये का हमारा टोल कटा है मथुरा जाने के लिए। यहाँ से है 15 किलोमीटर हमें जाना है और अभी हम चाय पी रहे थे यहाँ पे क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो अब तो पहुँचने वाले बस वृंदावन। तो हम आ चुके हैं अपने वृंदावन धाम अपनी ड्रैगो के साथ। भाई साहब जो सफ़र था ना, नेक्स्ट लेवल था। मतलब मेरी फर्स्ट राइड है ये और मैं पहली बार ग्रेटर नोएडा से वृंदावन जा रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम था। तो हम मिलते हैं सीधे वृंदावन धाम जाके। तो हम पहुँच चुके हैं वृंदावन में, एंट्री मारने वाले हैं। श्री धाम वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ से हमें जाना है सीधे प्रेम मंदिर, जहाँ पे हमारे प्रेमानंद सागर महाराज जी मिलेंगे। तो अभी हम देख रहे हो रोड बिल्कुल खाली पड़ा है, बहुत कमी दिखाई दे रहा है। रात के अभी कितना बज रहा है? अभी 12 बजे हुए हैं और हमारी ड्रैगो, देन हमें जाना है अभी आगे। तो मिलते हैं उस जगह। भाई हमें कुछ भाई मिले थे यहाँ पे जो रूम दे रहे थे और अभी ये बोल रहे हैं कि भैया बाइक के साथ फ़ोटो लेना, और अभी ये लोग फ़ोटो ले रहे हैं और हमें बस थोड़ी सी दूर हो रहा है। इधर हमें जाना है जहाँ पे प्रेम मंदिर है और हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी मिलेंगे हमें। तो अभी ये भाई लोग फोटो ले रहे हैं बाइक के साथ, बोल रहे हैं भाई बाइक बड़ी प्यारी है, तो अभी ये लोग फोटो ले रहे हैं। तो अभी हम खड़े हुए हैं प्रेम मंदिर के सामने और ये रही हमारी ड्रैगो पीछे खड़ी हुई है। अभी हम बस 1 बज रहा है, हमें 2 बजे तक यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करना है बिकॉज जिनके हम दर्शन करने आए प्रेमानंद महाराज जी के, वो 2 बजे से वहाँ पे, मतलब बोलते हैं कि 2 से 2:30 के बीच में आता है। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे, अभी 1 घंटा है हमारे पास, तो 1 घंटे हम यहीं पे रुकने वाले हैं। यहाँ पे पीछे आग जल रही थी तो हम वहीं पे बैठ गए क्योंकि ठंड हो रही थी, रास्ते में हमें कोहरा भी मिला था काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम यहाँ पे हैं तो देखते हैं, थोड़ी बहुत देर में निकल जाएंगे वहाँ पे, बाइक वाइक का देखेंगे कैसे सीन है, फिर वहीं पे खड़े हो जाएंगे। तो हम लोग दिखाते हैं आपको श्री प्रेमानंद जी। तो भाई जी यहीं से निकलने वाले हैं हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी, उन्हीं के स्वागत में ये दूर दूर तक रंगोलियाँ बनी पड़ी है। देख रहे हो आप, जहाँ तक भी नज़र डालोगे ना सिर्फ आपने रंगोलियाँ ही रंगोलियाँ नज़र आएंगी, और इतनी प्यारी प्यारी रंगोली बना रखी है ना भाई साहब, बहुत प्यारी प्यारी। मैं भी काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था महाराज जी के दर्शन करने, महाराज जी के दर्शन करने। आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम लाइव श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने वाले हैं, और दूर दूर तक मतलब आप देख रहे हो सिर्फ वही वही नज़र आने वाली है आपने, क्योंकि यहीं से निकलने वाले हैं हमारे महाराज जी। और यहीं पे खड़ी हमारी पास में ड्रैगो, वो खड़ी हमारी ड्रैगो पीछे, और यहीं से निकलने वाले हमारे महाराज। तो जैसे ही हमारे महाराज जी आते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे महाराज जी के स्वागत में जा रही है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगा।
एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, मतलब समझ में नहीं आया कि साक्षात भगवान सामने खड़े भाई साहब। जो मतलब फीलिंग थी ना उन्हें सामने देखते, एकदम एक्सपेंसिव थी, बहुत एक्सपेंसिव थी सच्ची। बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, मतलब महाराज जी के दर्शन करके ना। यहाँ बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई, मैं अपने दिखाता हूँ, ये सब महाराज जी के दर्शन खड़े करने हुए थे और इतनी खुशी मना रहे ना, देखो।